press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सूबे में कई राजनीतिक पार्टियों ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन टिकट मिलने की आस लगाए बैठे दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। इन्होंने लोगों से मिलने जुलने और जनसभाएं करना भी शुरू कर दिया है। अगर उन्हें टिकट मिल जाती है तो टिकट मिलने से पहले जनसभाओं और रैली में किए खर्च भी चुनाव खर्च में जोड़ दिए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपए तय की है। इसके लिए बकायदा चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर ऐसे भावी उम्मीदवारों पर भी नजर बनाए हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब टिकट मिलने से पहले दावेदार द्वारा खर्च किए गए पैसे को टिकट मिलने के बाद चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। अब से पहले यह खर्च टिकट मिलने के बाद शुरू होता था। इस बार चुनाव को लेकर आयोग काफी सख्त है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने जिला चुनाव अधिकारी तरन तारण से एक रैली के बाद शराब इस्तेमाल करने संबंधी रिपोर्ट तलब की है। डॉक्टर राजू ने बताया कि चुनाव आचार संहिता की निगरानी के लिए गठित एमसीएमसी टीम द्वारा उनके ध्यान में लाया गया कि शिरोमणि अकाली दल की तरन तारण जिले में हुई एक रैली के बाद शराब इस्तेमाल करने संबंधी एक टीवी चैनल द्वारा खबर चलाई गई है। चुनाव अधिकारी पंजाब ने जिला चुनाव अधिकारी तरन तारण से 24 घंटों में इस संबंधी रिपोर्ट पेश करने के लिए सख्त हिदायत दी है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।